अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स कोटा। लघु समय सार छेड़ाला नामक यह ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी की यह अपूर्व रचना। गागर में सागर भर देने का काम किया है और कुछ महीनों पहले अपन ने इसे शुरू किया था। वीकली चलती हुई इस कक्षा के अंतर्गत हम दूसरी ढाल के 6 छंदों तक की चर्चा कर चुके हैं। दौलत राम जी ने पहली ढाल में चारों गति के दुखों की परिस्थितियों की चर्चा की, ऐसा मैं कहता हूँ। उन परिस्थितियों के साथ साथ उन परिस्थितियों का कारण क्या था, असली कारण क्या था, इस बात को भी दौलत राम जी ने उसमें पहली ढाल में बीज डाले हैं। भूल आपको भरमतवादी और सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये दो पद्यांश इस तरह के मिले हमारे को, जिन्हें देख करके हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दौलत राम जी ने वहां दुख के मूल कारण की चर्चा का हिंट पहली ढाल में ही दे दिया था। माने चर्चा कर रहे हो, भले ही अब उनको वहां भूल आपको की चर्चा विस्तार से नहीं करनी थी, इसलिए आधी लाइन में कह करके वे आगे बढ़ गए, लेकिन असली बात तो उन्होंने वहां भी बता दी। फिर जब उन्होंने देखा पहली ढाल लिखने के बाद कि ये जगत के जीव तो दुख का कारण नरक की परिस्थितियों को समझने लग गए, तो फिर उन्होंने दूसरी ढाल में मूल कारणों की चर्चा की कि भाई वास्तव में जो दुख का मूल कारण है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। नए नए लोगों के लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये शब्द भी बिल्कुल अटपटे से लगते हैं। ये होता क्या है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, ये मिथ्या चारित्र क्या होता है? तो दौलत राम जी ने मिथ्या दर्शन को समझाना शुरू किया और मिथ्या दर्शन को समझाते हुए ये कहा कि सुनो, जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व होते हैं उनमें विपरीत श्रद्धा, आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं करना, अपने आप को चेतन स्वीकार नहीं करना, पुद्गल आदि द्रव्यों को पुद्गल रूप स्वीकार नहीं करना, माने ये जीव 7 तत्वों के संदर्भ में भूल करता है वो मिथ्या दर्शन कहलाता है, विपरीत मान्यता है। 7 तत्वों के नाम भी बताए और 7 तत्वों की विपरीत मान्यता अनादि काल से ये कैसी करता आ रहा है उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में ये जीव जीव को जीव स्वीकार नहीं करे, शरीर रूप माने, शरीर को आत्मा मानना, आत्मा को शरीर मानना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बता रहा हूं सर, बच्चों को याद रखना चाहिए। आपसे पूछें जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है बतलाइए, तो आपको पता होना चाहिए, शरीर को आत्मा मानना और आत्मा को शरीर मानना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा पतला हूं, मैं लंबा चौड़ा हूं, मेरी इतनी उम्र है, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश, ये सारी चर्चाएं जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों के अंतर्गत बतलाई गई। अब बहुत बड़ी भूल है और ये हमारे दुख का कारण भी बनता है। हम जानते हैं इस बात को कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे दुख की वजह क्या है, कि हम शरीर से ही अपने आप का अस्तित्व मानते हैं, ये हमारी भूल है।
जब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की विस्तृत चर्चा हुई तो आश्रम तत्व संबंधी भूल के बारे में फिर बात उत्पन्न हुई। और क्या भूल करता है कि जो राग द्वेष के परिणाम है, अशाय भाव है, विकार भाव है, इनको करता हुआ चैन मानता है। अरे राग करते कितना अच्छा लग रहा है, भक्ति में मजा आ रहा है, राग में मजा आ रहा है, धुन में मजा आ रहा है, नाच गान में मजा आ रहा है, टीवी देखने में मजा आ रहा है, गुस्सा करके सबक सिखा दूंगा मैं उसको, मजा मानता है उसमें। प्रकट दुख देने वाले और जिन जिन के प्रति राग करता है वो राग करने पर तकलीफ होती है, करता है राग होती है तकलीफ, फिर भी उस राग को बुरा नहीं जानता, उसमें चैन मानता है, यह इसकी आश्रव तत्व के संदर्भ में भूल है। फिर आगे वाले तत्व का नाम क्या है? बंध। आश्रव के बाद में बंध नाम का तत्व बतलाया। इस बंध तत्व के संदर्भ में क्या भूल है? देखो बंध तत्व संबंधी भूल बतलाते हैं। बंध तत्व के संदर्भ में भूल क्या है इसकी? तो क्या कहा बंध तत्व के बारे में? देखो आश्रव में तो कहा परिणाम, उनकी वजह से दुखी है, और बंध तत्व के संदर्भ में कहा शुभ और अशुभ का फल उसमें रति अरति करता है। आश्रव में तो परिणामों की बात कही और बंध तत्व में परिणाम नहीं, शुभ और अशुभ जो बंध हुआ था उसके फल में ये अच्छा और बुरा माने, ये इसकी भूल है। पुण्य का उदय आया और ऐसा समझता है मजा आ रहा है, पाप का उदय आया और समझता है यार मैं कहां फंस गया। तो पाप के उदय में तकलीफ मानता है, पुण्य के उदय में सुखी मानता है, ये इसकी भूल है। सच्चाई यह है कि कर्म का उदय तुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होता, ये सच्चाई है। माने कर्म का उदय तुझे सुखी दुखी करता नहीं है, सच्चाई तो ये है, और तू मानता ये है कि मैं कर्म के उदय से सुखी दुखी होता हूं, मैं क्या करूं साहब, ऐसे पाप कर्म का उदय आ गया कि भैया तुम रो क्यों रहे हो? अरे क्या बतलाऊं आपको, मेरे तो ऐसे ही कर्म के उदय हैं, ऐसे ही पाप कर्म के उदय हैं, रोता रहता है। अरे यार क्या बात है, बहुत बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। अरे साहब बस यही देखो समय बदल गया, पुण्य का उदय होता है तो ऐसा लगता है जैसे पुण्य का उदय चलता रहे और पाप का उदय कभी नहीं आवे, रति अरति करें। और दौलत राम जी कहते हैं निज पद विसार अपने स्वरूप को भूलकर, रति अरति करे निज पद विसार, ये बंध तत्व संबंधी भूल। फिर संवर तत्व संबंधी भूल में कहा था, जो चर्चा अपनी पिछले बार हुई थी उसमें कहा आत्मा का हित करने वाले वैराग्य है और ज्ञान है, ज्ञान और चारित्र दोनों ले लिया वहां। आत्मा का हित किससे होगा? अकेले ज्ञान से नहीं और अकेले वैराग्य से नहीं, वैराग्य हो और वैराग्य के साथ में ज्ञान हो, ज्ञान हो और ज्ञान के साथ में वैराग्य हो, ये दोनों बातें हो। माने ज्ञान के बिना वैराग्य और वैराग्य के बिना ज्ञान ये अधूरा है, चारित्र के बिना ज्ञान की कोई कीमत नहीं, और वही ज्ञान सार्थक है जिसके साथ में चारित्र हो। समझते तो बहुत हो साहब लेकिन जीवन में कुछ नहीं उतरे तो फिर वो ज्ञान किस काम का? ऐसा पूरा ज्ञान तो शुष्क ज्ञान कहलाता है, इसलिए चारित्र भी चाहिए। समस्या क्या है कि आत्मा का भला करने वाले ज्ञान और चारित्र को वैराग्य को यह जीव कष्टदायक जानता है। अरे यार क्या है पता ही नहीं, समझ में नहीं आती बातें, ये क्या छेड़ाला छेड़ाला कही थी हमारे से तो, और सरल सरल सुन रहे थे और हमने थोड़े दिन तक तो सुना, ये चार गतियों के दुखों की चर्चाएं चल रही थी, मजा भी आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, अब ये जाने कौन से तत्व और कौन सी भूल और ये क्या चली है, भारी बढ़िया मामला, अब मामला भारी पड़ गया थोड़ा सा। छेड़ाला छेड़ाला कह करके तो आप हमारे को लेकर के आए क्यों साहब? ऐसा लगा बहुत सरल सरल है साहब, छेड़ाला तो बच्चों को सुनना चाहिए, नए लोगों को सुनना चाहिए, और इस बहाने हमारे थे, और आप ये आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको संवर तत्व संबंधी भूल है ये। सच में भाई वैराग्य और ज्ञान ये कष्ट देने वाला नहीं है, लेकिन इसे कष्ट देने वाला लगता है, उपवास उसे कष्ट समझता है, बाहर में व्रतादिक का अंगीकार करना उसमें इसे तकलीफ लगती है, कष्ट की फीलिंग होती है,
ये तत्व ज्ञान पढ़ना और सुनना ये ऐसे वजन लगता है, ये ऐसे बोझ लगता है। अभी कॉमिक्स पढ़ना, कहानियां पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, न्यूज पेपर पढ़ना, वो तो मजा आता है उसमें, तो उसमें तो पैसे दे करके घर में मंगाता है न्यूज पेपर। और अभी जिनवाणी की बात फ्री में सुनने को मिले तो टीवी चैनल जो लेता है वो उसके पैसे देता है महीने की महीने, महीने की महीने पैसे देता है। पर यहाँ फ्री में चलती है बात तो कहता है यार समझ में नहीं आती यार, बात ऊपर से जाती है। तो ये जो इस जीव की वृत्ति है इसको दौलत राम जी ने संवर तत्व संबंधी भूल कह करके पुकारा। देखिए आगे संवर के बाद कौन सा तत्व है भाई? है बेटा निर्जरा, निर्जरा तत्व है संवर के बाद में। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल और मोक्ष तत्व संबंधी भूल को दौलत राम जी आगे 7 नंबर के छंद में एक ही लाइन में बतला देते हैं। सुनो साहब क्या कह रहे हैं। मेरे पास जो टीका वाली जो पुस्तक है इसमें 28 नंबर पेज है, आपके पास मास्टर साहब 37 नंबर पेज है और सब में अलग अलग पेज है। दूसरी ढाल का 7वां छंद सब मिलकर के बोले जरा, बड़ी मार्मिक चर्चा है, देखो जरा क्या कहते हैं। शिव रूप निराकुलता न जोए, क्या कह रहे हैं। रोकी न चाह, रोकी न चाह, निर्जरा के बारे में भूल, रोकी रोका नहीं किसे, चाह को नहीं रोका, निज शक्ति खोए अपनी शक्ति को खोकर, अपनी शक्ति को भूलकर। अरे अरे तूने अपने आत्मा की शक्ति को पहचाना नहीं, तूने अपनी अंतरंग पावर को जाना नहीं, तूने ये पहचाना नहीं कि मैं अनंत शक्ति संपन्न एक जीव तत्व इस देह देवालय में विराजमान हूं। तूने यदि इसकी खबर नहीं की अपनी आत्मा की अनंत शक्तियां, 47 शक्तियां जिनकी चर्चाएं की हुई है पहले, माने ये इनको पहचाना नहीं तूने कभी, अपनी शक्ति को तो खो बैठा। कहते ना अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, ज्यो सुत नव चाल भूल नल नहीं लटकायो। सुनी सुनी क्या ये लाइन है, बच्चों ने नहीं सुनी कभी, आपने भी नहीं सुनी होगी सर। क्या कहा, ज्यो सुत नव चाल भूल, तोता है पैरट है आकाश में उड़ने वाली, अपनी चाल को तो भूल गया। वो भूल करके क्या हुआ, किसी वृक्ष की किसी एक पतली सी टहनी पर जाकर के बैठा, पतली सी थी शाखा उसकी निकली हुई, उस पर जाकर के बैठा और जैसे ही पकड़ा तो वो तो झूल गई, इतना वजन नहीं बर्दाश्त कर पाई और उल्टा लटक गया। उसके पकड़ा था ना जैसे ही जाकर के बैठा, और बैठते ही क्योंकि वो नीचे गिरी तो उल्टा हो घबरा गया एकदम, और छोड़ा नहीं उसने उसको और ऐसा लटक गया। और मैं क्या करूं, मैं तो मरा, पकड़ लिया मैं तो मरा, ये तो भाई साहब पकड़ रखा है मैंने टाइट इसलिए बच गया, नहीं तो मैं तो धड़ाम से नीचे गिरता। अरे मूर्ख तू अपनी आकाश में उड़ने वाली चाल को भूल गया, तू तो आसमान में उड़ सकता है, उड़ सकता है पैरट जो है ये आसमान में उड़ सकता है, जैसे ही हाथ छोड़े और आराम से उड़ जाए, गिरने का क्या काम। लेकिन अपनी उस चाल को भूलकर उस नलनी में उल्टा लटका हुआ तकलीफ पा रहा है। ऐसे ही कहते हैं, हे जीव तूने अपनी आत्म शक्तियों का तो विचार नहीं किया, भूल गया और अपने आप को दीनहीन दरिद्री मूर्ख अज्ञानी ना समझ। मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं तो समझ नहीं सकता, मुझसे तो हो नहीं सकता, ये मान्यता तेरे दिमाग में घर कर गई, मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। अरे तेरे में पावर है, अपनी पावर को देख, अपनी शक्ति को देख अंदर में, तू शक्तिशाली तत्व है, तू कमजोर नहीं है, तेरे में वही शक्तियां हैं जो शक्तियां कृष में थी, कृष में माने सिद्ध भगवान में थी है। समझ में आ रही है आपको, वो शक्तियां तुम्हारे में आज भी मौजूद है, अनंत भगवान वाली शक्तियां, सिद्ध भगवान वाली शक्तियां वर्तमान में मौजूद है सब। पहचानो अपनी उन शक्तियों को, देखो अपने उस पावर को,
अपनी यदि उन शक्तियों को पहचानेंगे तो फिर क्या होगा, चाह को रोके रोकने का प्रयास करेंगे। ये कह रहे हैं रोके न चाह निज शक्ति खोए, ये निर्जरा संबंधी भूल है साहब। हिसाब इसमें निर्जरा संबंधी क्या भूल होगी कि चाह को रोकना, इच्छाओं को रोकना वो कहलाता है तप। चाह माने है इच्छा, और रोके रोकना इच्छाओं को रोकना कहलाता है तप, और तप है निर्जरा का मूल कारण, तपसा निर्जरा च, ऐसा सूत्र दिया हुआ स्वामी आचार्य ने। तत्वार सूत्र में लिखा तपसा निर्जरा च, याद रखना सूत्र, तप से निर्जरा होती है बराबर। और तप किसे कहते हैं तो धवला में वीर सेन आचार्य कहते हैं इच्छा निरोध तप है, इच्छाओं के रोक देने का नाम तप है, इच्छाओं के रोकने का नाम तप, और तप से होती है निर्जरा। तो निर्जरा के कारणभूत तप, और तप जो इच्छा को रोकने का नाम था, तूने अपनी शक्ति को न पहचान कर इच्छाओं को तो रोका नहीं, तो ये तेरी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। नहीं समझ में, तूने इच्छा रोकता तब तो असली तप होता, तब तो वास्तव में निर्जरा होती। अब इच्छा नहीं रोकी तूने तो सच्चा तप नहीं हुआ, और तप नहीं हुआ तो सच्ची निर्जरा नहीं हुई। निर्जरा के बारे में भूले, देख तू व्रत तो करता है, तू उपवास तो करता है, तू बाहर में इन क्रियाओं का पालन तो करता है, लेकिन इच्छाएं रुकनी चाहिए। तेला कर रहा हूं सब मैं कि क्यों कर रहा है, कि बस वैसे ही मेरा भी मन हो गया, मैंने उनको देखा था और फिर मेरी भी इच्छा हो गई, जुलूस निकाला था उनका, क्या मेरा भी निकलेगा क्या। तो तू तेला किस लिए कर रहा है भाई, जुलूस निकालने के लिए। उनके कपड़े लत्ते आए थे क्या, हमारे भी आएंगे, क्या फर्क पड़ गया। देखो ये जो भावना है, तुम जो काम अनिच्छा इच्छाओं को रोकने का नाम जो तप था, तूने वो तप करके भी इच्छाओं को चाहा, नहीं कोई ना कोई इच्छा रख करके इस प्रकार के काम किए, तो वो सच्चा तप नहीं है, वो निर्जरा के संबंध में भूल है। मैं कभी जब इस प्रसंग को सुनाता हूं तो मैं कहता हूं इसके संस्कार नहीं छूटते। देखा देखी क्रिया तो करता है, धर्म तो करना चाहता है, व्रत उपवास आदि तो करना चाहता है, लेकिन इससे वो जो संस्कार थे ना, ये चाहिए जो इच्छाएं थी वो नहीं रुक रहे हैं। एक व्यक्ति नट खेल दिखाने वाले होते हैं, रस्सी पर चल रहा था, लकड़ी हाथ में लेकर के, देखा कभी चलते हुए साध्य, देखा कभी ऐसे वो लकड़ी लेकर के चलते, ऊपर रस्सी के ऊपर चल रहा है इधर से उधर, और खेल दिखा रहा है, और नीचे ढोल बजाए जा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही है, लोग देख रहे हैं उत्साह से, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, और बहुत उत्साह से देख रहे हैं उसे। और फिर वो नीचे उतरा वहां से और पैसे इकट्ठे किए, उसी भीड़ में खड़ा हुआ एक चोर उसको देख रहा था। चोर ने देखा यार बड़ा कमाल का आदमी है, एक रस्सी पर इधर से उधर चल लेता है ये तो। जब भीड़ छट गई, खेल पूरा हो गया, तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि भैया कितना कमा लेते हो। अरे बाबू जी क्या आप, देखो एक एक रुपया दे करके गए हैं लोग, कौन देते हैं, कई लोग तो खेल भी देख करके चले गए और एक रुपया भी नहीं निकला उनकी जेब से। अब ये देख लो ये कितने हैं, ये चिल्लर जो भी है, अब ये कमाई है, अब ये इतनी मेहनत करते। बोले मेरे साथ चलो। क्या वो चोर क्या बोला, मेरे साथ चलो, के काम क्या होगा, ये काम कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, पैसा तुम्हें बहुत मिलेगा, और काम वही करना है जो काम तुम करते हो, यही काम करना है और क्या है, यही काम करना है और बहुत पैसा है। अरे तुम चिंता मत करो, इतना पैसा है हमारी लाइन में। लाइन है उसकी भी, उसका काम है। बोले अच्छा कि ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कब मिलना है, कहाँ आना है। तो एक काम करो, रात को, रात का काम है एक्चुअल में, क्या वो नाइट ड्यूटी रहती है थोड़ी सी, काम रात का है,
तो दिन में तुम कुछ भी करना जो भी है, लेकिन रात को आओ, 1 बजे के आसपास मिलेंगे अपन, इस जगह पर मिलेंगे। ठीक है सर। पहुंच गया वो, चोर भी पहुंच गया और खेल दिखाने वाला भी पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद एक छत पर लेकर के चढ़ गया चोर, उसको छत पर चढ़ गया तो कहा आप एक काम करो, यहां से सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना, उसके ऊपर फंदा मारो। रस्सी का फंदा उसने फेंक दिया। तो चोर ने कहा कि आप एक काम करो, जैसे वो दिन में चल रहे थे ना, आप इस रस्सी के ऊपर से तुम्हें यहां से सामने चलना है, काम सिखा रहा हूं तुम्हारे को, फिर देखना तुम पैसा ही पैसा है, इधर से उधर चलो। तो वो जो नट था खेल दिखाने वाला, उसने कहा भाई मैं चल तो सकता हूं, लेकिन पहले तुम ढोल बजाओ, पब्लिक इकट्ठी करो, तालियां बजाओ। क्या फिर चलूंगा? चोर ने अपना माथा पकड़ लिया कि ये क्या बकवास कर रहे हो कि भाई देखो मैं तो ऐसे ही चल सकता हूं। जब तक लोग नहीं हो, जब तक तालियां बजाने वाले नहीं हो, वाह वाह करने वाले नहीं हो, क्या तब तक नहीं हो सकता? उसके जो संस्कार आज तक उस रस्सी पर चलने के पड़े हैं, वो ऐसे ही संस्कार पड़े हुए हैं कि ये सब माहौल हो तो ही ऐसा हो सकता है। इस जगत के जीव की वृत्ति कुछ इसी प्रकार की रहती है कि जब धर्म करने की बात करते हैं तो धर्म में भी अपना स्वार्थ तलाशता है, जब व्रतादिक पालन करने की बात करते हैं तो उसमें भी वही अपनी वृत्ति के अनुसार इच्छाओं को तो रोका नहीं और बल्कि इच्छाओं को दोगुना कर लिया। अब इतना कर रहा हूं तो कुछ तो होगा ही, कुछ तो विशेष होना ही चाहिए। तो ये निर्जरा तत्व के संदर्भ में भूल कही। फिर क्या कहते हैं, शिव रूप निराकुलता न जोए। शिव रूप माने मोक्ष स्वरूप, शिव माने होता है मोक्ष, शिव माने होता है कल्याणकारक, मुक्ति को कहते हैं मोक्ष। निराकुलता आकुलता रहित, ना माने नहीं, जोए माने होता है देखना, जानना, मानना, श्रद्धा करना, ऐसे अर्थ किए जोए शब्द का। निराकुलता ने जो मोक्ष तो जानता है लेकिन मोक्ष में निराकुलता स्वरूप को नहीं समझता, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। आकुलता से रहित पने का नाम मोक्ष है, इस बात को यह जीव नहीं समझता, यह इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। रोके माने रोकता, न माने नहीं, चाह माने इच्छाओं को, निज शक्ति को खोकर, अपनी शक्ति को न पहचान कर, शिव रूप माने मोक्ष स्वरूप, जो निराकुलता स्वरूप था उसको नहीं पहचाना। और इंद्र लोक थाने को आ जाने लोगे कहे मोक्ष, ऐसे अज्ञानी जीव बनकर के इंद्र लोक स्थान को ही मोक्ष समझने लग गया, मरने को मोक्ष समझने लग गया। अरे भाई निराकुलता मिली के नहीं मिली ये न पहचानना, इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। कितने हो गए? 7। सात तत्व संबंधी भूल हो गई। अब ये कह रहे हैं दौलत राम जी आगे, या ही माने इसी प्रकार की प्रतीति, ये जो या ही प्रतीति माने जो 7 तत्व संबंधी जो इसकी मान्यता थी, प्रतीति माने होता है मान्यता, जुत मान्यता से सहित, कछुक ज्ञान माने ये जो मान्यता थी, ये मान्यता तक तो बात हो गई मिथ्या दर्शन। क्या कहा? 7 तत्व संबंधी भूल का नाम तो है मिथ्या दर्शन। ये मिथ्या दर्शन होता है अग्रहित। क्या कह रहे हैं सब? अग्रहित, जिसे ग्रहण नहीं किया, जिसे अपनाया नहीं, जिसे नया धारण नहीं किया है, अनादि काल से जो मिथ्यात्व चला आ रहा है, जो भूल चली आ रही है। अपने पराये के बारे में भूल कब से है? अपने आप को शरीर मानने वाली भूल कब से है? पुण्य के उदय में सुखी और पाप के उदय में दुखी, ये भूल कब से है? रागादि परिणामों में संतुष्टि, ये भूल कब से है? अनादिकाल से। और फिर ये जो कहा रोकी न चाह, ज्ञान वैराग्य तकलीफ का कारण, इच्छाओं को रोका नहीं, निराकुलता में सुख माना नहीं, ये भूल इसकी अनादिकाल से चली आ रही है।
इसका नाम है अग्रहीत मिथ्या दर्शन। अब मिथ्या ज्ञान क्या है, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान क्या है? याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, इसी प्रतीति के साथ में जो कुछ भी ज्ञान है। बड़ा गजब शब्द दे रहे हैं दौलत राम जी, जो कछुक माने जो कुछ भी ज्ञान, जितना भी ज्ञान है सो दुखदायक, वो दुख देने वाला है। और अज्ञान जान, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, जान माने जानना चाहिए, समझना चाहिए। भाई साहब आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये तो सम्यक ज्ञान है ना? क्यों साहब, क्यों भाई साहब आर्य जी, ये जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ये तो सम्यक ज्ञान है ना? कि ये दौलत राम जी कह रहे हैं कि पहले ये बतलाओ तुम्हारी सात तत्वों संबंधी भूल निकल गई क्या, मिथ्या दर्शन मिट गया क्या? नहीं सर, मिथ्या दर्शन तो है, बना हुआ है। तो बोले उसके साथ में जो भी ज्ञान होता है सब मिथ्या ज्ञान होता है। ग्यारह अंग का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। और सुनो बड़े गजब के अर्थ है भाई, मिथ्या दर्शन के साथ याही प्रतीति जुत, जुत माने साथ में, इस प्रतीति के साथ में जो कुछ भी ज्ञान है सो दुखदायक है। मिथ्या दर्शन तो साथ में बैठा है और बाहर में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ये शास्त्र ज्ञान भी जो तकलीफ देने वाला होगा। मोरछाप नहीं, छाप नहीं आई ऐसा ही मारका नहीं क्या? मोरछाप बिना नोट कागज है, हाँ ये नोट कागज है सब, मोर छाप के बिना। ये ऐसी स्थिति है जितना भी ज्ञान। और सुनो यदि वो मिथ्या दर्शन ना होता, मिथ्या दर्शन नहीं है और मिथ्या दर्शन न होने पर कोई बही खातों का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, अकाउंट्स का ज्ञान है, बोलो सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान? सम्यक ज्ञान है। सुनना सुनना समझना क्या कह रहा हूं सर, माने मिथ्या दर्शन ना हो नीरज जी साहब, मिथ्या दर्शन नहीं हो तो जो कुछ भी ज्ञान होगा सब सम्यक ज्ञान। और मिथ्या दर्शन यदि बना हुआ है तो भले ही शास्त्र ज्ञान हो तो भी मिथ्या ज्ञान। इंजीनियरिंग का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, मेडिकल का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, सीए अकाउंट्स का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान। अरे यार क्या उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहे हो यहां? मैं नहीं पढ़ा रहा हूं उल्टी सीधी बातें, ये दौलत राम जी कह रहे हैं याही प्रतीति और जो कछुक ज्ञान, इस प्रतीति के साथ में जो कुछ भी है। पिछली बार कही थी ना आपको, वो बिल्ली तो निकाले नहीं, अब जितना कुछ भी पानी निकलेगा सब क्या होगा? बदबूदार आएगा। अंदर में बैठी है ना वो कणिका, तो वो बैठाई हुई है। आपने वो प्रसंग नहीं सुना मक्खी वाला? मक्खी जो है ये चार इंद्री जीव है और भंवरा जो है ये उसका बड़ा भाई है। क्या भंवरा? वो भी चार इंद्री है। भंवरा फूलों में बैठता है, सुगंध लेता है, और मक्खी जो है ये गंदगी में बैठती है, विष्ठा में बैठती है, गंदगी पर बैठती है। तो वो जो भंवरा है, वो भंवरा एक बार किसी प्रसंग पर मक्खी से मिला, दोस्ती हो गई, और मक्खी से मिलने पर उस भंवरे ने ये कहा, अरे यार कैसी गंदगी में बैठते हो तुम, तू मेरे साथ चल, ऐसी जगह पर मैं तुझे ले चलूंगा वहां की सुगंध को देख करके तू दंग रह जाएगा। जब हो गई बात, अच्छा इससे भी अच्छी सुगंधित जगह कोई, मक्खी ने कहा क्या? हाँ हाँ तू चल तो सही मेरे साथ में, तो चल करके देखेगा तो सूंघेगा तो सूंघता रह जाएगा, देखता रह जाएगा। कोई बात नहीं, चलो चलो देखते हैं, आज तुम्हारे साथ भी चलते हैं। अच्छी पक्की दोस्ती हो गई थी, फूलों के बीच में ले गए, गार्डन में ले गए, और गार्डन में ले जाकर के फूलों के बीच में बैठे और भंवरा सुगंध लेने लगा कि देख आया कि नहीं तुझे मजा। कौन सा मजा, मुझे तो यहां भी वैसा ही लग रहा है, वैसा ही लग रहा है, क्या बात कर रहा है।
ये तेरे को वहां और यहां में अंतर नजर नहीं आ रहा है? कहां वो विष्टा की दुर्गंध और कहां ये फूलों की सुगंध? जोर सूंघ, ढंग से सूंघने का प्रयास कर। सूंघा तो अरे नहीं नहीं मुझे तो वही वही आनंद वही वैसा ही लग रहा है, सब कुछ कोई नया पन फील नहीं हो रहा। तो भंवरे ने कहा कि एक मिनट इधर देख मेरी तरफ। अब भंवरे ने उसकी नाक में झांका क्या तो विष्टा का कर्ण लेकर के आया था वो मक्खी साथ में क्या, और एक खेच के चांटा लगाया उसके। ये क्या है? वही तो लेकर के आया है साथ में। कि साथ में तो इसलिए ले आया था कि मैंने सोचा यदि वो पसंद नहीं आए तो अपना तो साथ में रखो। तो बोले नाक में तो तूने वो रखा हुआ है, अंदर तो तेरे विष्टा के कण बैठे हुए हैं, और बाहर में तू फूलों पर आकर के भी बैठेगा तो फूलों की सुगंध नहीं ले पाएगा। तुझे यदि फूल की सुगंध लेनी है तो अंदर बैठे हुए जो गंदगी के कण तूने बिठा रखे हैं पहले उनको निकालने पड़ेंगे। भाई ये तत्व ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है, ये जिनवाणी की चर्चाएं तो सम्यक ज्ञान ही है, ये तो उत्कृष्ट ज्ञान है, ये तो मुक्ति का कारण है। लेकिन जब यह जीव मिथ्यात्व रूपी विष्टा के कणों को अपने में रखकर इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो ये ज्ञान उसके लिए सम्यक ज्ञान का काम नहीं करता, क्योंकि अंदर में मिथ्या दर्शन की विष्टा बैठी हुई है, ये दुर्गंध का ही काम करता है। समझ में आ रही ये बात है? इसलिए मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान होगा सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, दुखदायक है, और उसे क्या जानना चाहिए? दुखदायक, दायक माने देने वाला, उसमें से भी अपना प्रयोजन ही सिद्ध करता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव भी शास्त्र पढ़ करके क्या करता है? अपनी मिथ्या मान्यता का ही पोषण करता है। लेकिन जो मिथ्या मान्यता का पोषण करता है उसे ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहेंगे, उसके लिए आगे छंद दिया है। अभी तो यहां अग्रहित संस्कारों की बात चल रही है, अनादिकालीन अनादिकालीन मिथ्या मान्यताएं वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। दुख देने वाला अज्ञान है ऐसा जानना चाहिए। चलिए इस तरह से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की बात यहां हुई इस सातवें नंबर के छंद में। आग्रहित मिथ्या दर्शन और आग्रहित मिथ्या ज्ञान हो गया। अब आग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण बतला रहे हैं। आग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है और कुचारित्र क्या चीज है? आग्रहित मिथ्या चारित्र माने कुचारित्र, इसका लक्षण देखो। बड़ा मार्मिक छंद है, आठ नंबर का छंद, छंद छंद देख रहे हैं अपन सिर्फ। क्या हुआ? इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, क्या क्या कह रहे हैं? इन जुत क्या चीज है ये? इन जो पीछे कहा था जुत माने साथ में, जुत माने जुड़ना, योग जुड़ना, प्लस प्लस करना। इन जुत इनके साथ में माने जिसके अंदर में मिथ्या दर्शन बैठा है, जिसके अंदर में मिथ्या ज्ञान बैठा है, इन जुत क्या कहा? विषयनी में, विषयनी स्पर्शन इंद्री का विषय, आर्य रसना इंद्री का विषय, ग्राण इंद्री का विषय, चक्षु इंद्री कर्ण इंद्री के विषय, टीवी देख रहा है मजा आ रहा है क्या, गाने सुन रहा है। आजकल तो ऐसे सुनते हैं लोग, वो कान में लगा लेते हैं और कोई कुछ कितना भी बैंड बाजे बज रहे हैं कुछ पता ही नहीं हमारे को, और तुम चिल्लाते ही रहो और सुना ही नहीं देता है। कितने एक्सीडेंट होते हैं रोड पर, कितने एक्सीडेंट होते हैं कान पर लगा कर पता ही नहीं लगता है। ट्रेन की पटरियां पार करते करते ट्रेन ने उड़ा दिया, ऐसी ऐसी घटनाएं न्यूज पेपर में आती है, कुछ होश ही नहीं। रोड क्रॉस कर रहा है, कुछ हॉर्न दिए जा रहे हैं, ट्रेन सुनाई नहीं दे रही, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे पागल पागल हो जाते हैं। अरे भाई इन विषयों में जो तेरी प्रवृत्ति है, खाना खाना खाना,
इसके बिना चैन नहीं पड़ता, नमकीन के बिना चैन नहीं पड़ता, मीठा चाहिए मुझे तो रसगुल्ले चाहिए, लड्डू चाहिए, नमकीन चाहिए, नहीं मैं तो खाऊंगा, बिस्किट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये तो विषयों में प्रवृत्ति है ना। इन जुत इनके साथ में जो भी पंचेंद्रीय विषयों में प्रवृत्ति थी, ताको जानो मिथ्या चरित्र, वो सबको हमें मिथ्या चरित्र जानना चाहिए, वो सब मिथ्या चरित्र है। मिथ्या दर्शन विपरीत मान्यता थी, मिथ्या ज्ञान उल्टा ज्ञान था, मिथ्या चरित्र उल्टी प्रवृत्तियां थी, कोटि प्रवृत्तियां थी। मिथ्या माने क्या होता है? उल्टा। मिथ्या माने उल्टा, झूठ। मिथ्या माने झूठा। तुम्हारी ये सारी बातें मिथ्या है। बड़े बड़े साहित्यकार जब साहित्यिक शैली में प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं, मिथ्या वार्तालाप मत करो, मिथ्या प्रतिपादन मत करो, मिथ्या मत बोलो। तो वो क्या है? झूठ, झूठ। अब मिथ्या के साथ में लगा दिया दर्शन, मिथ्या के साथ में लगा दिया ज्ञान, मिथ्या के साथ में लगा दिया चरित्र। क्या भाई साहब? मिथ्या के साथ में दर्शन, तो मिथ्या दर्शन। दर्शन कहते हैं श्रद्धा को, मान्यता को। तो मिथ्या दर्शन माने क्या हुआ? झूठी मान्यता, झूठी मान्यता, ये सब झूठी मान्यता है। मेरा नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स कोटा।